आदाब नाजरीन, जैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। आरआईटी का राष्ट्रीय महामंडली के नेशनल प्रेसिडेंट परमानंद स्वामी जी ने यादगी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि रियासत कर्नाटक में आरआईटी का समाज के 70 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और मौजूदा हुकूमत में 7 रुकन असम्बली के अलावा 2 रियासती वज़रा रहने के बावजूद अब तक रियासत कर्नाटक में आरआईटी का समाज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम अमल में नहीं आया, जबकि कई ऐसे समाज के डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाए गए हैं जिनके वोटर्स आरआईटी का समाज से कम हैं। इसके अलावा इन्होंने मजीद मुतालबात करते हुए रियासती हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द रियासत बसवराज बम्बई गवर्नमेंट इनके मुतालबे को पूरा करें, वरना आने वाले 2023 के इंतखाबात में वो रियासत भर में अपने समाज को लेकर एहतजाज करेंगे। इस मौके पर आरआईटी का समाज यादगिर ज़िले के तमाम जिम्मेदार मौजूद थे। समस्त को नमस्कार। आज आरआईटी के राष्ट्रीय महामंडली का प्रेस मीट है। राज्य सरकार का हमारा 1-3-4 डिमांड है। हमारा कम्युनिटी कर्नाटक 17 लाख पीपल लोग हैं, पर अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। इसलिए सरकार को वार्निंग देते हैं। पहले हमारा आरआईटी का राष्ट्रीय महामंडली का निगम अभिवृद्धि बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड इमीडिएट घोषणा करना पड़ेगा। फिर हमारा आज रूलिंग पार्टी में 7 MLA 2 मिनिस्टर हैं। अभी तक हम लोगों को ये निगम मंडली घोषणा नहीं किया, इसलिए 4-6 महीने पहले हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी इमीडिएट आपको, स्वामी जी आपका टेंशन मत करो, इमीडिएट आपके कम्युनिटी का निगम डेवलपमेंट बोर्ड घोषणा करते गोरख, बट अभी तक वो नहीं आए, इसलिए वो घर पे है। अभी तो बसराज बम्बई अब मुख्यमंत्री है, उनका ऊपर हमारा विश्वास है, पर हमारा कम्युनिटी को बहुत प्रॉब्लम है। एजुकेशन नहीं है, अभी तक हमारा तो पूरा कसब, हमारा कसब तो नहीं है। सो ये बहुत प्रॉब्लम हमारा कम्युनिटी कर्नाटक से बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। इसलिए और डिमांड फॉर कर्नाटक गवर्नमेंट इमीडिएट और कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कर्नाटक मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मैया एंड राज्यपाल गवर्नर तो ऑलरेडी आप गवर्नर तो मेमोरेंडम दिया था, इसलिए हमारा डिमांड है ना, 1-2-1 आरआईटी का निगम मंडली इमीडिएट घोषणा करना पड़ेगा। पहले यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्शन हमारा कम्युनिटी लोगों में क्रिश्चियंस में मतांतर कन्वर्शन करने बहुत हमारा लोग कन्वर्शन करते रहते, इसलिए सरकार को यही ये कन्वर्शन है ना वो बंद करने का कानून बनाना पड़ेगा। वो बेलगावी अधिवेश में ये कानून बनाने का मेरे को वो मुख्यमंत्री से बोला था, उनका ऊपर विश्वास है। हमारा एक ही आदमी को ईडी का कम्युनिटी में एक आदमी तो दूसरा कम्युनिटी में दूसरा वो बताकर करने कन्वर्शन का हम नहीं छोड़ते हैं, हम काम करते रहते हैं। हमारा कुल गुरु ब्रह्मर्षि नारायण गुरु जी है, गुरु जी का सिद्धांत क्या है वो पूरा जीवन में हर आदमी हर ईडी का कम्युनिटी को हर आदमी को जीवन में कम्प्लीट वो करना पड़ेगा, वही तो हमारा कुल का हमारा धर्म का ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा यूनिवर्सिटी में कर्नाटक यूनिवर्सिटी में ब्रह्मर्षि नारायण गुरु जी का फिलोसफी वो तो वो टीच करना पड़ेगा। उधर हमारा यूथ लोगों के स्टूडेंट्स के लिए ब्रह्मर्षि नारायण गुरु जी का सिद्धांत है ना, जीवन दर्शन है ना, यही तो उधर टीच करना पड़ेगा। इसलिए कर्नाटक सरकार ये पूरा हमारा डिमांड में वो समथाइम हमारा डिमांड वो नहीं एक्सपेक्ट नहीं करना। आफ्टर 2023 में इलेक्शन आते हमारा पूरा कम्युनिटी क्या क्या डिसीजन लेने का वो लेने का सामने जा रहे हैं। अभी तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा धीमन धनाएगा हमारा बड़ा समाज का बड़ा लीडर हमारे के लिए मुद्देदार है, उनको अभी क्या है क्वेश्चन, उनका अभी वो पहले क्या बोल आपका मंत्री बनाते हैं उनको कांग्रेस में बीजेपी ने ले लिया है, फिर उनको स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया, अभी तक एक साइड में रखा है। इसलिए यही तो हमारा समाज है अभी दुखी है, हमारा समाज को क्यों हमारा बहुत बड़ा लीडर है, इसलिए ये हम ये बहुत बहुत समस्या परेशान हो गया हमारा समाज। इसलिए कर्नाटक सरकार में एक वार्निंग देते हैं, कन्नडा में हिचड़ी कहते थे, ये शिमोगा में अभी नया एयरपोर्ट बना रहे हैं वो दिवंगत बंगारपन का नाम में ये एयरपोर्ट का बंगारपन नाम डालना पड़ेगा,
फिर सिकंदर चौड़ेश्वर देवस्थान मंदिर है ना, हमारा कम्युनिटी का वो देवस्थान है, सरकार नोटिस दे दिया, वो नोटिस वापस लेने का माफी मांगना पड़ेगा देवी को, वो नहीं है ना, आप सर्वनाश देवी आपको मालूम है इसलिए।